आज का हमारा न्यू क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये बहुत बड़ा डायग्राम है और बहुत सारे चैम्बर्स के साथ H2SO4 को हम इंडस्ट्रियल लेवल पे बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें जो चैम्बर्स हैं, सबसे पहला है बर्नर, उसके बाद डस्ट चैम्बर, फिर कूलर, स्क्रबर, फिर ड्राइवर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर उसके बाद है आर्सेनिक प्यूरीफायर, ये ऊपर से कनेक्ट होगा टेस्टिंग बॉक्स से, फिर प्री हीटर पम्प, और उसके बाद ये सबसे बड़ा चैम्बर जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर, ये मेन टावर है इस प्रोसेस का, और लास्ट है एब्जॉर्प्शन टावर। देखिए, सबसे पहले बर्नर में यहाँ पे हीट प्रोवाइड होगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, और यहाँ से हम सल्फ़र का ओर ऐड करते हैं, ये है सल्फ़र। अब सल्फ़र किसी भी वे में हो सकता है, CuFeS2, PbS ले लो, ZnS या FeS2, इसमें से सल्फ़र को एक्सट्रैक्ट करके उसको पाउडर के वे में यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, और ऑक्सीजन और हीट, ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनती है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस यहाँ से आगे पास होगी, इस ओर में बहुत सारी डस्ट, डर्ट, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इस डस्ट और डर्ट का निकलना बहुत ज़रूरी है, और ये डर्ट मैक्सिमम जो होती है वो वाटर सॉल्युबल होती है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड आगे इस चैम्बर में आई, जिसको बोलते हैं डस्ट चैम्बर, ऊपर से वाटर की स्ट्रीम आती रहती है, तो उस वाटर में डिज़ोल्व होकर के जितने भी मैक्सिमम डस्ट डर्ट नीचे कलेक्ट होकर के यहाँ से आउट होते रहते हैं। ठीक है, अब आगे जाने वाले सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थोड़ी डस्ट से लेस हो जाती है, इसको हम पास करते हैं कूलर में। कूलर में चारों तरफ शील्डिंग किसकी होती है, वाटर की, और ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, इसके साथ साथ हीट भी लिबरेट होती है। तो यहाँ पर जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस आएगी तो गैस तो आगे आ जाएगी, लेकिन वो अपनी हीट को अपने चारों तरफ की शील्डिंग को, वाटर को पास कर देगी, जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस कूल होकर के नेक्स्ट चैम्बर में आएगी। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्क्रबर, इसमें एसिड प्रूफ स्टोन्स भरे हुए रहते हैं और ऊपर से वाटर की शावरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर इन स्टोन्स के बीच में वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जब फंस जाएगी या ट्रैप कर जाएगी तो उसमें प्रेजेंट फिर से डस्ट और डस्ट के जो पार्टिकल्स जो यहाँ पर नहीं हो पाए अलग, वो इन एसिड प्रूफ स्टोन्स के बीच में ट्रैप कर जाएंगे, जिससे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो होगी थोड़ी और क्लीन हो जाएगी। देखिए आगे, अब आने वाली जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है वो ड्रायर में लाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वाटर के कांटेक्ट में आई थी, यहाँ पर भी वाटर के कांटेक्ट में आई थी, तो उसके कारण जो होती है वो थोड़ी वेट हो जाती है, तो उसको ड्राई करने के लिए हम इस चैम्बर में से उसको पास करेंगे। ऊपर से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पास होता रहता है, इसमें क्वार्ट्स के पीसेस होते हैं, क्वार्ट्स मीन्स ग्लास के पीसेस इसमें भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर इन एसिड प्रूफ स्टोन्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर थोड़ी देर सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस ट्रैप करेगी और ड्राई हो जाएगी। अब आने वाली जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस नेक्स्ट चैम्बर में है वो डस्ट से लेस भी हो गई, हीट से भी लेस हो गई और ड्राई भी हो गई। अब नेक्स्ट चैम्बर है आर्सेनिक प्यूरीफायर, यहाँ पर कुछ ऐसे शेल्फ्स होते हैं जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeOH टिकन 3 भर देते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये जो ओर था हमारा सल्फ़र का, उसमें यदि आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ थी तो यहाँ पर आर्सेनिक जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा FeOH टिकन 3 से, जिससे आर्सेनिक से लेस हो जाएगी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, इसलिए इसका नाम ही आर्सेनिक प्यूरीफायर है, क्योंकि यहाँ पर मेन आर्सेनिक की इम्प्योरिटी जो होगी वो रिमूव हो गई। अब आगे सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस गुजरती है टेस्टिंग बॉक्स में से टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें डस्ट अभी भी है। ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है, लाइट की बीम को इंसिडेंस करते हैं यहाँ से, तो यदि स्कैटरिंग होती है उन पार्टिकल्स में, यदि डस्ट होगा तो वो स्कैटरिंग करेगा, मतलब टिंडल इफेक्ट बताएगा, तो यदि डस्ट है तो उसको रीबैक कर देंगे, और यदि डस्ट नहीं है तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस को आगे पास कर देते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होगा 450 डिग्री सेल्सियस। इस हीट से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थोड़ी हीटअप हो गई, और इस पंप के थ्रू उसको नेक्स्ट चैम्बर में भेज देते हैं, जो मेन है कॉन्टैक्ट टावर। यहाँ पर कुछ ऐसे पाइप्स लगे रहते हैं जो प्लैटिनम के होते हैं या V2O5 के होंगे, ये आयरन का बना हुआ एक टैंक होता है। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस इन पाइप से होती हुई गुजरती है, कई बार ऐसे, मैंने 3-4 बार बनाया है बस, यहाँ पे ऐसे बहुत लॉन्ग सा और कई ऐसे पाइप्स होते हैं पैरेलल, तो
तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है, फिर जाएगी इस तरीके से। कई बार जब उस प्लैटिनम के कांटेक्ट में जब आती है तो यहाँ पर प्रेजेंट ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन और प्रोवाइड होगा 450 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हुआ प्लैटिनम के, यहाँ पर पाइप्स जो थे वो एज ए कैटलिस्ट काम करेंगे और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्शन करके बनाएंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड और हीट। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस आगे आई इस चैम्बर में, ऊपर से कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड पास होगा, एसिड प्रूफ स्टोन भरे हुए हैं, नीचे से सप्लायर है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट चैम्बर में SO3 गैस जो यहाँ से आई, ऊपर से आने वाले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बनाएगी ओलियम। ओलियम मीन्स H2S2O7। ये सल्फ्यूरिक एसिड का ही फॉर्म है लेकिन उसकी फ्यूमिंग वे है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्यूमिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ी देर के बाद H2S2O7 जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके इसको हम इस चैम्बर के बाहर 2H2SO4 में कन्वर्ट करा लेते हैं। मीन्स यहाँ से जब निकलेगा सॉल्यूशन तो वो होगा ओलियम का, और ओलियम का हाइड्रोलिसिस इस प्लांट के बाहर करके सल्फ्यूरिक एसिड को पा लेते हैं। तो आप लोग ये लर्न कर लीजिए, इस डायग्राम को बनाना सीख लीजिए। चार इक्वेशंस हैं और ये 2019 का क्वेश्चन है।